केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर मंडी में सीटू ने अन्य संगठनों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया। ये धरना प्रदर्शन पूरे देश में केंद्र सरकार की मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ किया जा रहा है। देश में जब से मोदी सरकार सत्ता में आई है, लगातार मजदूर विरोधी फैसले ले रही है। देश में आजादी से पहले के कानूनों को बदला जा रहा है और इन श्रम कानूनों को बदलकर श्रम संहिताओं में लाया जा रहा है, जिसमें देश में मजदूरों की स्थिति और ज्यादा दयनीय होती जा रही है। जब से देश में महामारी फैली है, तब से भूखे पेट लगभग 1000 के आसपास मजदूरों ने अपनी जान गंवाई है। मजदूर भूख से तड़प रहे हैं और सरकार कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है। वे पूंजीपतियों के साथ मिलकर श्रम कानूनों में बदलाव कर रही है। इन हमलों में श्रम कानूनों में 8 घंटे के बजाय 12 घंटे का काम लेना, मनरेगा मजदूरों को काम न देना, जब चाहे छंटनी कर देना व ईपीएफ सुविधा छीनना आदि शामिल है। देश में महामारी के चलते हुए पिछले 6 महीनों में 15 करोड़ के आसपास मजदूरों की छंटनी हुई है या उनका काम चला गया है। सरकार ऐसे मजदूरों को कोई राहत पैकेज भी नहीं दे पाई है। देश की आर्थिक स्थिति भी कमजोर हुई है, मगर देश का बड़ा पूंजीपति की आय में वृद्धि हो रही है और सरकारी उपक्रमों को निजी हाथों में दिया जा रहा है। इन श्रम कानूनों में बदलाव से देश में कार्य कर रहे करोड़ों मजदूरों को उनकी सुविधाओं से अछूता रहना पड़ेगा। देश में मौजूदा सरकार छंटनी के नियम को भी बदलना चाहती है, जिसमें उन्होंने कहा कि 300 से कम वाले कंपनी जब मर्जी छंटनी कर सकते हैं, जिसको भी छंटनी करना है वे कर सकती है। जबकि ये पहले नियम था कि जो पहले आएगा वह सबसे बाद में जाएगा, मगर इस अधिनियम के आने के बाद मालिक जब मर्जी मजदूर को निकाल सकता है। इन सभी काले कानूनों के खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने आह्वान किया है कि सभी मजदूरों को अपने हकों की हिफाजत के लिए सड़कों में आएं और सरकार की इस नीति का खुलकर विरोध करें, ताकि मजदूर विरोधी फैसले को बदला जा सके। इस अवसर पर सीटू जिला महासचिव राजेश शर्मा, सुरेंद्र कुमार, गोपेंद्र कुमार, मणिराम इत्यादि ने हिस्सा लिया। आज जो धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, ये जो श्रम कानून के अंदर जो बदलाव करने की बात केंद्र की सरकार कर रही है, और शनिवार को तीनों कोडों को, तीन बिल को उन्होंने लोकसभा केंद्र इंट्रोड्यूस कर दिया, और जिसके तहत लोगों को जो मजदूर हैं उन मजदूरों के ऊपर जो हमले हैं वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं, मजदूरों के ऊपर जो वो है वो बढ़े। और आज ये धरना प्रदर्शन है, ये पूरा अखिल भारतीय स्तर पर है, और इसमें बीएमएस को छोड़कर के बाकी जितने भी यूनियन हो, सारी यूनियन धरने प्रदर्शन में शामिल हो रही है, विरोध प्रदर्शन में शामिल हो रही है। इसमें मुख्यतः बात बिंदु यह है कि अभी जो वेतन का हमारा आयोग था कि वेतन किसी कंपनी ने अगर नहीं दिया तो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को पूछते थे कि जैसे फोरलैंड में कोई कंपनी काम कर रही है, अगर वो वेतन नहीं देती तो हम NHAI को पूछते कि NHAI इसके वेतन का भुगतान करती थी। लेकिन अब जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को उन्होंने वेतन के उसके लाइबिलिटी से मुक्त कर दिया है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब ये है कि भाई आने वाले समय में मजदूरों का शोषण बढ़ना है। दूसरा, श्रम कानूनों के तहत कि जो लोगों को फैसिलिटी मिलती, जो फैसिलिटी कम हो जाएंगी। अभी 300 से कम लोग जहाँ भी काम करते हैं, अभी तक कहता कि जहाँ 50 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं उनको है ना, अगर छंटनी करनी है, कुछ रिट्रेंचमेंट करनी है, कोई और फैक्ट्री लॉकआउट करनी है तो परमिशन लेना पड़ती है लेबर डिपार्टमेंट से, जो भी अथॉरिटी होती है। अब 300 वो नंबर कर दिया तो 300 से कम ही लोग है ना, 300 की तो जहाँ स्ट्रेंथ होती है, काफ़ी बड़ी फैक्ट्री होती है, वो बंद कर देंगे है ना, कोई लॉ एंड ऑर्डर क्यों अपील नहीं होगी। और सरकार ने फिक्स टर्म को दिया है कि आपको जितने भी समय के लिए रखना है, आपको जिस दिन रखेंगे उसी दिन बता देंगे कि आपकी जो अपॉइंटमेंट है वो 3 महीने से लेकर के 3 साल के लिए हो सकती है, और आपको कोई जो रिटर्नमेंट को प्रोसेस नहीं है, और जो मिलना है वो सारे मिलने नहीं। और इसके साथ साथ एक जो सामाजिक सुरक्षा का जो कानून, सामाजिक सुरक्षा का जो कानून है उनको भी उन्होंने बदल दिया। सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 के नाम पर वो लेकर के आए हैं, जिसके तहत जो पेंशन हमारे मिलती थी, पेंशन को खत्म किया जा रहा है। अभी वो जो हमारा PF का पैसा था, जो PF के पैसे से हम पेंशन लगने थे, उस पैसे को भी वो सट्टा मार्केट में रिलायंस वालों को दे रहे हैं। उसका मतलब ये है कि आज मेरा पैसा कट रहा है, आज सरकारी एम्प्लॉयज का पैसा कट रहा है, आने वाले समय में जब 60 साल के हो गए, रिटायर हो गए, इनका पैसा वापस मिलेगा नहीं मिलेगा उसकी कोई गारंटी नहीं। ये जो कानून है, और अभी सरकार ने एक और जो इसमें कर दिया कि व्यावसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर के एक संहिता और उन्होंने इंट्रोड्यूस किया शनिवार को, जिसके तहत
स्वास्थ्य के ऊपर भी कटौती हो रही है, है ना। लोगों को अगर काम करते हो चोट लग जाएगी और लोग अपना इलाज खुद करवाएंगे, मतलब पहले वर्कर है ना ठेकेदार करते थे, अपना इलाज खुद करवाएंगे, इस प्रकार से लोगों को हमले पड़ेंगे। इसको लेकर के पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आज है ना बड़ी यूनियनें हैं, 11 बड़ी यूनियनें हैं, DMS को छोड़ करके सारे लोग उसमें शामिल हो रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आने वाले समय में जो भी कोऑर्डिनेशन कमेटी की कॉल आएगी, उस कॉल को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, डेफिनेट तौर पर आंदोलन तेज किया जाएगा। उसकी राजनीति केंद्र की सरकार की होगी और हिमाचल प्रदेश की सरकार की। धन्यवाद।